गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंजीनियर्स ऑन यूट्यूब चैनल। इंजीनियर्स ऑन का एस्टैब्लिशमेंट 2009 में हुआ था बाय मिस्टर कैसर हफीज, जो हमारे बीच में यहां पे अवेलेबल है। ही हैज इंसेप्टेड इंजीनियर्स ऑन इन द ईयर 2009 एंड ही इज बीटेक फ्रॉम आईआईटी रुड़की फ्रॉम द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। हमारे साथ अवेलेबल है मिस्टर महेश, ये इंजीनियर्स ऑन के स्टूडेंट है। इन्होंने इंजीनियर्स ऑन से कोचिंग क्लासेस करी फॉर इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन और 2018 में इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 46 अचीव करी। इससे पहले 2017 में भी इन्होंने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन दिया, उसमें इनकी ऑल इंडिया रैंक 39 थी। तो इंजीनियर्स ऑन कंसिस्टेंटली टॉपर्स प्रोड्यूस कर रहा है सिंस इट्स इंसेप्शन। तो आइए हमारे जो टॉपर स्टूडेंट है महेश शर्मा, ये क्या कहते हैं इंजीनियर्स ऑन के बारे में? तो महेश जी बताइए, आपने इंजीनियर्स ऑन ज्वाइन किया था, आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा, कैसे आपको इंजीनियर्स ऑन के बारे में पता चला? इंजीनियर्स ऑन के बारे में मुझे मेरे सीनियर से पता चला कि ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के लिए दिल्ली में सबसे अच्छी कोचिंग है। तो और वो सीनियर्स जो ऑलरेडी आईएएस में यहाँ से सिलेक्टेड थे। ओके, उसके बाद आपने इंजीनियर जोन ज्वाइन करा। यस। तो आपका इंजीनियर जोन का क्लासरूम प्रोग्राम का क्या एक्सपीरियंस है, वो आप बाकी स्टूडेंट के लिए शेयर करिए। एक्चुअल में बात की जाए तो बीटेक होने के बाद इंजीनियर जोन का क्लासरूम कोर्स ही सबसे ज़्यादा हेल्पफुल रहता है। पूरा लॉन्ग ड्यूरेशन 1 ईयर का क्लासरूम कोर्स ले लिया जाए, उसके बाद कोई किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट या कोई क्लास की जरूरत नहीं। तो आप जो मतलब आपको जब आपने एग्जामिनेशन में आप अपीयर करें तो आपको क्लासरूम नोट्स जो इंजीनियर जोन के थे वो कितने हेल्पफुल रहे? एक्चुअली में मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मैं इंजीनियर जोन के अलावा कुछ पढ़ा ही नहीं है। 2 बार चाहे गेट हो चाहे इंजीनियरिंग सर्विस, 2 बार हो मैं इंजीनियर जोन के क्लास नोट्स और जो ईजेड पब्लिकेशन की जो बुक्स है वहीं को सॉल्व करता था जैसा अभी सर के गाइडेंस मेरा। ओके, तो अगर जैसे आपने इंजीनियर जोन के डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, क्लासरूम प्रोग्राम है, डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम है या ऑनलाइन टेस्ट सीरीज है, इंजीनियर जोन की ऑनलाइन टेस्ट सीरीज आपके लिए कितनी हेल्पफुल रही? ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मेरे गेट के लिए बहुत बेनिफिशियल रही, ऑफलाइन टेस्ट सीरीज इंजीनियरिंग सर्विस के लिए अच्छी रही। मैं हमेशा मुनीर का भी रहा हूँ 2 साल, तो मैं अभी सर के टच में रहता था, वो जैसा बताते थे वैसा मैं करता था। अच्छा, जैसे इंजीनियर जोन में क्लासरूम टेस्ट सीरीज होती है फिर उसका सॉल्यूशन डिस्कशन होता है, तो आपने ऑब्जर्व किया कि क्लासरूम में जो सॉल्यूशन डिस्कशन है वो कितना बेनिफिशियल था? बिल्कुल बेनिफिशियल है। क्लासरूम क्लास कोचिंग के बाद जो टेस्ट सीरीज में जो जो सिली मिस्टेक होती है, कैसे काम मिस्टेक होती है, वो ऑफिसर से डिस्कशन करने के बाद कई चीजें एग्जाम में इम्प्रूव होती है। पक्का ऑफिसर यहीं पे बैठे हुए, आप सही बोल रहे हैं ना? यस यस, ऑफिसर ऐसा तो नहीं कि मतलब सर बैठे हुए तो इसलिए आप बोल रहे हैं। ऑफिसर से बिल्कुल हम पहले से ही फैमिलियर है। अरे इंजीनियर जोन ने मतलब ऑफिसर सर ने ही मतलब एक इनिशिएटिव लिया था कि हम 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन करेंगे बच्चों के साथ। yes. और ये अराउंड 2013 के आसपास सर ने ले लिया था। yes. तो वो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा? वो सबसे ज्यादा मेरे लिए वही बेनिफिशियल रहा। जैसे ही क्लासरूम में मेरे डाउट आता मैं उसको पेंसिल से या रेड पेन से टिक कर देता था और क्लास इमीडिएट खत्म होते ही ऑफिसर के ऑफिस में आ जाता था और ऑफिसर उसी एनर्जी में वही डाउट क्लियर कर देते थे। अच्छा, जैसे इंजीनियर जोन में और भी टीचर्स आते हैं ऑफिसर के अलावा, और भी फैकल्टीज आती है मतलब दूसरे सब्जेक्ट के लिए, तो उन टीचर्स के साथ भी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा? वो भी अच्छा रहा। जैसे ऑफिसर ने मुझे लगता है कि ऑफिसर ने कोई कमी रख के नहीं भेजा होगा, उनको भी अच्छी तरीके से सिलेक्ट करके। तो सिलेबस कवरेज को लेके क्या है, इंजीनियर जोन में आपका पूरा सिलेबस कवर होता है? नो डाउट, 100% सिलेबस कवरेज। ओके, तो आपको मतलब कहीं ऐसा कुछ लगा हो कि भाई इंजीनियर जोन में ये चीज आप जो सजेशन देना चाहते हो कि ये चीज हो जाए तो और अच्छा हो जाए? जैसा स्टूडेंट जो मेरे साथ स्टूडेंट थे और कोचिंग की थी, उनका ये कहना था कि ऑफिसर मैक्सिमम से मैक्सिमम सब्जेक्ट पढ़ाए। अच्छा, ये मतलब मेन ऑब्जेक्टिव रहता है। तो जैसे आप राजस्थान को बिलोंग करते हैं, तो आपके मतलब और जो इंजीनियर जोन से पास आउट स्टूडेंट है राजस्थान के, वो उन्होंने ही आपको यहाँ पे गाइड किया था? तो ऐसा तो नहीं कि ऑफिस सर बैठे हुए आप इसलिए? डर निकाल दिया, कैसे बात करेंगे, आपको कैसे बात करना है, आपका कम्युनिकेशन स्किल में इंग्लिश सही नहीं है, तो आप उन पॉइंट को कैसे रखे अपना जवाब दिया जाए। तो इसलिए इंजीनियरिंग सर्विस 2017 में मेरा 122 मार्क्स है, वो बिल्कुल मैं ऑफिसर के अलावा कहीं कोई कोचिंग या कहीं कुछ नहीं। अच्छा, आपने इसके साथ साथ जैसे इंजीनियर जोन की कॉन्वेंशनल क्लासेस भी चलती हैं। yes. तो वो कॉन्वेंशनल कोर्स आपके लिए कितना बेनिफिशियल रहा? कॉन्वेंशनल कोर्स मैं कहना चाहूंगा कि 2 बार मैंने इंजीनियरिंग सर्विस के मेंस में 400 400 स्कोर किया,
वो सिर्फ और सिर्फ अपील करके मेंस की जो क्लासेज है और मेंस के जो क्वेश्चन है उन्हीं की वजह से। अच्छा हाफिज सर हमारे नीचे बैठे हुए, आप सारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप हाफिज सर की वजह से सारी बातें नहीं कर रहे हो। चलो हाफिज सर से भी मैं पूछता हूँ कि आपने इंजीनियर जोन इस्टेब्लिश किया, 5 times आपने इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया, अच्छी रैंक के साथ अंडर 30 आपकी रैंक रही, 2007 में आपकी ऑल इंडिया रैंक 2 थी। तो 5 बार IAS क्वालिफाई करने के बाद फिर आपने ज्वाइन किया, रिजाइन किया, फिर इंजीनियर जोन इस्टेब्लिश किया, तो इसके पीछे मतलब क्या रीजन है, मतलब आपका क्या विजन था या मिशन था लाइफ का? एक्चुअली मैनी थिंग्स हैपन नेचुरली और आई वांट टू से मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैपन नेचुरली विदाउट एनी प्लानिंग विदाउट एनी इंटेंशन। माय प्राइमरी इंटेंशन वाज टू क्वालिफाई फॉर सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स वाज वन माय ऑप्शनल बिकॉज बिफोर 10 years व्हेन आई वाज अपीयरिंग देयर वर यूज्ड टू बी टू ऑप्शनल इन सिविल सर्विसेज। बेसिकली टीचिंग प्रोफेशन जो मैंने ऑप्ट किया था ये कोचिंग में, ये लिया था कि अपना जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है जरा उसको स्ट्रॉन्ग कर लें, क्योंकि टीचर भी काफ़ी कुछ सीखता है क्लास में, स्टूडेंट ही नहीं सीखते स्टूडेंट के डाउट से। तो उसके बाद जैसे कि क्वालिफाई होता गया इंजीनियरिंग सर्विसेज, सेकेंड रैंक भी आई, रेलवेज मुझे मिला था, MES तो मैंने थोड़े दिन ज्वाइन भी किया था फॉर 4 months, लेकिन मैंने रियलाइज किया उन 4 महीने में रहकर कि टीचिंग इज द बेस्ट सुटेड फॉर मी एंड मोर ओवर कि ये लगता है कि 5 times आई क्वालिफाई एंड आई रिजाइंड, तो मुझे लगता है कि उसको मुझे कंपनसेट करना चाहिए। आई विल हेल्प 5000 स्टूडेंट्स टू क्वालिफाई इंजीनियरिंग सर्विसेज एंड आई थिंक फॉर अराउंड 500 टारगेट वी हैव अचीव्ड। तो आपको लगता है कि आपने जो मतलब 500 प्लस टारगेट अचीव कर लिया, कहीं आपने कभी लाइफ में ऐसा फील किया कि मुझे लगता है कि मैंने 5 बार क्वालिफाई करके 5 सीटें खराब करी? नहीं देखिए एक्चुअली अब वो खराब किया नहीं, वो अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है, लेकिन ये जरूर है कि श्योरली आई विल कंपनसेट दैट। अब हम इतने स्टूडेंट को हेल्प करेंगे ना, इतने स्टूडेंट को क्वालिफाई कराएंगे कि वो याद नहीं रहेगा फिर कि 5 सीटें बेकार हुई थी, तो श्योरली। मोर ओवर देखिए एक वो चीज़ है, हमारे टाइम में जब व्हेन आई पास फ्रॉम आई टी रुड़की इन 2000, जब कोचिंग का कल्चर भी नहीं था सही मायने में, गेट IAS का अपना कल्चर भी नहीं था और मुझे पता भी नहीं था कि ऐसी कोचिंग होती है। लेटर ऑन जब ये की शुरुआत की और इसमें पढ़ाया तो मुझे लगा भी फिर कि स्टूडेंट को थोड़ा सा गाइडेंस मिल जाए ना, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है व्हाट टू रीड व्हाट नॉट टू रीड। तो अगर हम इसमें स्टूडेंट की हेल्प कर देते हैं, उनको एक रेडीमेड मटेरियल बना देते हैं कि भाई आप जो है ये नोट्स हैं, ये क्लास रूम, ये पढ़ लो, ये समझ लो, तो उसके बाद स्टूडेंट का काम आसान हो जाता है। जो काम वो अपने आप 3 साल में करता है वो 1 साल में कर सकता है, क्योंकि इस बारे में जब भी कोचिंग का एक वर्ड आता है कुछ लोगों के दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ जाता है कि एक बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, कोचिंग को प्रमोट कर रहे हैं, व्हाई नॉट प्रमोटिंग सेल्फ स्टडी। तो मैं आपको बताता हूँ, मैंने जो सेमिनार कंडक्ट किए कई जगह, इवन इन अलीगढ़ यूनिवर्सिटी, जयपुर पूर्णिमा यूनिवर्सिटी एंड मैनी प्लेसेस, तो मैंने सब जगह स्टूडेंट को इन इसमें टिप्स दिए हैं कि सेल्फ प्रिपरेशन भी अगर करना है तो कैसे करना है। जरूरी नहीं है कि मतलब आप कोचिंग ही करें। और आज भी देखिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं मोर देन 50% वो सेल्फ प्रिपरेशन वाले होते हैं, लेकिन अगर एक ऑनेस्ट एफर्ट होता है कोचिंग वालों का भी, कोई भी कोचिंग होता है ऑनेस्ट एफर्ट करता है स्टूडेंट के साथ कि भाई आपको हेल्प मिल जाए, आपका काम आसान हो जाए, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ गलत है। ओके तो महेश मैं आपसे और एक दो क्वेश्चन अभी और बचे हुए हैं वो पूछना चाहता हूँ। जैसे आपको स्टडी मटेरियल इंजीनियर जोन ने दिया, तो आपको वो स्टडी मटेरियल कितना हेल्पफुल था? बिल्कुल स्टडी मटेरियल ही मैं स्टडी करता था और जो उनके अनसॉल्व क्वेश्चन है वो बिल्कुल हेल्पफुल है मेरे लिए। अच्छा तो आपको लगता है कि उस टाइप के, अच्छा क्लासरूम नोट से जब आप इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन में अपीयर करें तो कितना परसेंट आपको वहाँ पे मिला, मतलब जो क्लास में पढ़ाया गया पेपर में कितना परसेंट आया होगा आपके लेवल? अप्रोक्सीमेट जो मैंने अटेम्प्ट किया उसका 90% क्लासरूम नोट से आया, क्लासरूम नोट से आया। तो मतलब आप अपने जूनियर्स को सजेस्ट करोगे कि वो भी इंजीनियर जोन को ही फॉलो करें, इंजीनियर जोन के क्लासरूम नोट्स, उसकी टेस्ट सीरीज और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम को अटेंड करें? यस, मेरा सजेशन स्टूडेंट को यही रहेगा कि इंजीनियर जोन का क्लासरूम कोर्स बिल्कुल ऑनेस्टली किया जाए और जैसा ऑफिसर बताए उसको फॉलो करता जाए, नो डाउट कि एक दिन रिजल्ट आएगा और आप इंजीनियरिंग सर्विस इजीली क्वालिफाई करके जाओगे अगर आप ऑफिसर के गाइडेंस में ये इंजीनियर जोन के क्लासरूम नोट्स और ईजर की पब्लिकेशन की बुक्स और इंटरव्यू गाइडेंस अगर प्रॉपरली करते हैं। तो आगे देखो इसमें एक चीज है, व्हाट आई वांट टू ऐड, आई वांट टू टेल द स्टूडेंट्स, देखिए अगर मेरा मानना यह है कि अगर हमारी क्लास करने के बाद भी एज ए टीचर व्हाट आई वांट टू से
अगर स्टूडेंट को कुछ और रेफर करने की जरूरत पड़ती है ना कहीं से टेस्ट में कुछ भी, तो इसका मतलब कमी स्टूडेंट में नहीं, वो हमारे लिए कंटेंट में है, ठीक है ना। इसलिए स्टूडेंट से हम रेगुलरली इस पर फीडबैक भी लेते हैं कि क्या प्रॉब्लम है। मोर ओवर जो जैसे वन टू वन इंटरेक्शन की बात हो रही थी कन्विजन की, तो ये चीज रियलाइज की थी मैंने लेटर ऑन, लाइक 2009 में जैसे इंसेप्शन था इंजीनियर जोन का, उससे पहले मैं तो ये 2000 से टीच कर रहा था दूसरे इंस्टीट्यूट में। तो 2012 तक होता क्या था कि आई यूज टू रिमेन बिजी इन क्लासेस टू मच, कि मुझे स्टूडेंट से बाद में बात करने का टाइम ही नहीं मिलता था। अब एक क्लास खत्म हुई, एक दूसरी क्लास, अब स्टूडेंट आ गए सर डाउट बता दीजिए, अब जल्दी जल्दी उनको डाउट बताया कुछ, तो फिर ये रियलाइज किया कि स्टूडेंट को बाद में थोड़ा सा टाइम देना वो जरूरी है। देन अकॉर्डिंगली आई यूज टू फिक्स ए गैप इन द शेड्यूल क्लासेस, कि अगर मेरी क्लास 1:12 बजे खत्म हो रही है तो अगली क्लास 1 बजे होनी चाहिए, घंटे का गैप है, जिससे कि आधा घंटा मेरा अपना रेस्ट मिल जाए और आधे घंटे स्टूडेंट से डाउट क्लियर कर लें। क्योंकि एक्चुअली होता क्या है ना, क्लास में ज्यादातर डाउट का स्कोप नहीं बचता, वो डाउट डाउट नहीं होते, बस वो क्या होता है कि स्टूडेंट अगर एक बार टीचर से बात कर लेता है ना क्लास के बाद में, तो उसको एक जरा कॉन्फिडेंट फील होता है कि हाँ मुझे मतलब समझ में आ गया। दूसरा फिर मैंने रियलाइज ये किया, क्योंकि उससे पहले तक स्टूडेंट से मैं पर्सनली ज्यादा बात करता भी नहीं था, मुझे लगता था कि इन्हें अच्छा कंटेंट दो, पढ़ा दो और वो काम काफी है। लेकिन अब रियलाइज होता है कि स्टूडेंट को बीच बीच में मोटिवेट करना भी जरूरी है। तो इसलिए जैसे कि डाउट के टाइम स्टूडेंट कुछ अजीब सी बातें पूछता है कि सर कुछ पढ़ाई में इतना मन नहीं लग पा रहा, कुछ घबराहट हो रही, कंटेंट पूरा नहीं हो रहा, पढ़ रहे तो कुछ भूल रहे, तो उसमें अगर हम 2-4 बातें बोल देते हैं तो आई थिंक स्टूडेंट मोटिवेट हो जाता है। बिल्कुल सर, मुझे लगता था कि ये बातें क्या बोलने हैं, सबको पता ही है, लेकिन पता सबको भी है, वो सुनना चाहता है स्पेसिफिकली टीचर से। तो ये एक रिलेशन जो होता है ना कोचिंग में, केवल ऐसा नहीं होता कि कंटेंट डिलीवरी, क्योंकि देखिए कंटेंट तो कहीं भी मिल जाता है, लेकिन जब स्टूडेंट बात करता है टीचर से, वो थोड़ा सा उसको कहते हैं ना कि हिम्मत बना देता है कि नहीं ठीक है भाई करो और हो जाएगा, ऐसे कोई बात नहीं। एक दो एग्जांपल बता देते हैं कि भाई बीटेक में तो हमारी भी समझ में नहीं आता था, लेकिन टाइम लगता है, समझ में आ जाते हैं चीजें, रिवाइज करूंगा बन जाएगा। ओके, मैं इस लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाह रहा हूँ कि मतलब अब आपका फ्यूचर एम क्या, मतलब नेक्स्ट व्हाट डू यू वांट टू डू इन योर लाइफ? सिविल सर्विस इज माय फ्यूचर एम। ओके, दिस इज योर एम कि आपको सिविल सर्विसेज क्वालिफाई करना है। yes. तो आई होप कि आप इंजीनियर जोन को इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों ब्रांच के बच्चों को सजेस्ट करेंगे कि आप इंजीनियर जोन ज्वाइन करें। यस सर, मेरा यही सजेशन रहेगा कि इंजीनियर जोन में आए, कोचिंग करें और रिवीजन मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम करें। तो देखो सभी बच्चों आप देख लो, ये फेसबुक पे भी अवेलेबल है, सोशल मीडिया पे है महेश जी, आपको कुछ गाइडेंस चाहिए आप इनसे ले सकते हैं, और आप इस भी सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है, रेगुलरली लाइव यूट्यूब सेशन भी कर रहे हैं, आप सब्सक्राइब करिए यूट्यूब चैनल इंजीनियर जोन का, और आप डायरेक्टली चैट भी कर सकते हैं, यू विल गेट द रेस्पॉन्स इमीडिएटली। तो देखिए इसमें स्टूडेंट्स के लिए एक्चुअली व्हाट आई वांट टू कन्वे, जैसे कि अभी बात हो रही थी महेश ने भी कहा ठीक है कुछ, बिकॉज ही इज माई स्टूडेंट, ही रेस्पेक्ट मी और दैट्स व्हाई ही सेड कि आप कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, इसको आप नेगेटिव में मत लीजिए। सभी स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूंगा, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आप कोचिंग ज्वाइन नहीं करेंगे या इंजीनियर जॉब नहीं ज्वाइन करेंगे तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा, इट्स नॉट द वे टू डिमोरलाइज। देखिए कोचिंग की जगह में यूज करना चाहूंगा वर्ड गाइडेंस, जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं वो क्लासेस करते हैं, जो लोग कुछ ज्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते वो ऑनलाइन क्लासेस हमारे करते हैं। हमारी ऑनलाइन क्लासेस भी जैसे चलती हैं, जो स्टूडेंट अपने डेस्कटॉप पर कर सकते हैं लाइव क्लासेस ये। मोर ओवर जो लोग वो भी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो देखिए जैसे कि यूट्यूब पे आप अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब करते हैं, उसमें कई फ्री लेक्चर्स हैं और उसमें रेगुलर हम गाइडेंस भी करते रहते हैं, तो दोस्त हु वांट टू प्रिपेयर सेल्फ, और वो कोई भी रीजन हो, तो उनके लिए भी हमारी हेल्प अवेलेबल रहती है। तो इसलिए इसको आप ऐसा मत समझिए कि केवल कोचिंग से ही सिलेक्शन होता है कुछ भी। हाँ, व्हाट आई वांट टू से, यू नीड प्रॉपर गाइडेंस, वो गाइडेंस किसी भी वे में हो सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई किया केवल हमारे स्टडी मटेरियल पढ़कर, कुछ स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया कि सर आपके लेक्चर की जीरोक्स मिल गई थी कुछ स्टूडेंट्स हैं। तो मेरे एक तो हॉट एग्जांपल ध्यान है 2 साल पहले का, एक स्टूडेंट की रैंक गेट में 102 आई थी और उसने केवल ये बताया था कि जीरोक्स उसने पढ़ा था। तो ये समझ लीजिए एक तरीके से उसने हमें कुछ पे नहीं किया, लेकिन हमने फिर भी इनडायरेक्ट में गाइडेंस कर दिया। और इसके अलावा जैसे कई स्टूडेंट कई बार ऑफिस पे विजिट कर लेते हैं, कई बार टेलीफोन पे बात हो जाती है, कुछ हद तक कुछ कराता है कि सर ये टॉपिक कहाँ से पढ़ना है, ये कैसे करना है,
तो और इसके अलावा भी जैसे कि आज ही आपने एक इंटरेक्टिव सेशन देखा है, मेन पर्पज इसका हमारा यह था कि महेश से या किसी भी स्टूडेंट से मेनली आपको कुछ टिप्स मिल जाएं कि प्रिपरेशन क्या करनी है। तो इनके बात का भी मतलब आप ये मत समझिए एक नेगेटिव सेंस में कि सिंपली कि वो कोचिंग के लिए गाने कि इसके बिना कुछ नहीं होगा। वो ठीक है, ही रेस्पेक्ट मी, ही लव्स मी, दैट्स व्हाई ही इज टेलिंग यू। अदरवाइज अगर आप सेल्फ प्रिपरेशन भी करते हैं, वी आर देयर टू हेल्प यू। बस आप यह है कि कॉन्टैक्ट में रहिए, किसी भी तरीके की हेल्प होगी आपको वो हम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है ना। एंड फाइनली आई विश ऑल द स्टूडेंट्स बेस्ट ऑफ लक। मोर ओवर इफ यू आर हैविंग सम ऑफ द क्वेरीज, सो यू कैन सेंड थ्रू कमेंट्स और यू कैन मेल और इवन यू कैन व्हाट्सअप, द नंबर्स आर गिवन देयर। मोर ओवर इफ यू वांट दैट कि स्ट्रैटेजी के बारे में और सब्जेक्ट के बारे में, हाउ टू स्टडी, व्हाट टू स्टडी, व्हाट नॉट टू स्टडी, मैनी थिंग्स कि हम और वीडियो बनाए, तो आप उसके थ्रू ये कमेंट के थ्रू आप भेजिएगा। क्योंकि ध्यान रखिए खासतौर से बीइंग एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर तो आप ज़्यादा अच्छे समझ सकते हैं। सिविल मैकेनिकल में भी कंसेप्ट होती है, नहीं मैं नहीं जानता। फीडबैक ऑलवेज इंपॉर्टेंट, इफ योर फीडबैक इज पॉजिटिव श्योरली आर आउटपुट और गेन विल बी इम्प्रूव्ड, बट इफ योर फीडबैक इज नेगेटिव स्टिल इट विल बी यूजफुल टू स्टेबलाइज। दोनों ही फीडबैक हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। सो थैंक यू डॉक्टर।